Hello students, we are again ready with the new topic, that is bending moment and shear force diagram for a cantilever beam carrying UVL. ये हम करेंगे, इसके बाद हम overhanging beams के लिए करेंगे. That will be end of the topic. बाकी आप घर पर try करिएगा, बाकी numericals जो भी है. So now what we will consider is that कि हमारे पास एक cantilever beam है जो carry कर रही है UVL. मीन्स यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. आपको पता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड वो लोड होता है जो हर एक मीटर पे या डिस्टेंस के साथ साथ कहेंगे जो अपनी इंटेंसिटी चेंज करता हो. तो जो फाइनल इंटेंसिटी लोड की है, लेट अस से इट इज़ ओमेगा पर मीटर. अब इस सेक्शन के लिए हमें अगर कहा जाए कि इसके लिए आप बेंडिंग मोमेंट डाइग्राम और शेयर फोर्स डाइग्राम आप ड्रा करिए, तो दैट विल बी ईजी फॉर अस. कैसे करेंगे हम? पहले हम देखेंगे कि शेयर फोर्स अगर हमें निकालना है तो शेयर फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. एक सेक्शन एक्स लेना पड़ेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द फ्री एंड, जैसे हम बाकी कंटिन्यूअस बीम लोड कंडीशंस में कर रहे थे पहले. ठीक है, तो हम करेंगे, लिखेंगे ड्रा ए सेक्शन एक्स. ठीक है ना, सेक्शन एक्स एट एक्स डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम फ्री एंड. ये लिखना भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं. तो फ्रॉम फ्री एंड, तो शेयर फोर्स हम देखेंगे इस सेक्शन एक्स पे कितना आ रहा है, ये ज़रूरी. तो इस सेक्शन एक्स पे जो शेयर फोर्स आ रहा है वो इस ये सारा ट्रायंगुलर लोड जितना भी इस सेक्शन पे एक्ट हो रहा है वो, तो दैट इज़ कितना आएगा लोड, ये ट्राइंगल का हम लेंगे इसका एरिया, बिकॉज द टोटल लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड दिस एंगल ट्रायंगल, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेट्स नेम इट एज ए बी सी, सॉरी दिस इज अवर एक्स, एक्स आई सी, तो हम नाम देंगे इसको बी एक्स सी. इस ट्रायंगल का एरिया हम राइट साइड से ले रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा ये. ओके, तो इसका ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ ऑफ बेस, इसकी बेस जो है दैट इज बी एक्स इज द बेस, यहाँ पे एक सेक्शन है, तो बी एक्स इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड इज एक्स सी, एक्स सी. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. तो हाफ ऑफ बेस जो इसकी दैट इज एक्स मीटर इंटू ऑल्टीट्यूड हमें निकालना है. तो ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास, तो हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बी ये है एक्स, ये है सी एंड दिस इज ए एंड लेट अस से इट इज ई. ओके, तो हमें ये निकालना है सी एक्स या एक्स सी हम कहेंगे. तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास है एल, ये डिस्टेंस हमारे पास है एक्स. ठीक है, ये नहीं पता हमें वाई नहीं पता, ये तो पता ये ओमेगा है. तो निकालेंगे जो बड़े ट्रायंगल का रेशियो दैट इज एल अपॉन एक्स रेशियो, बिकॉज वी नो बाई थ्योरम, हमारे पास थेलस थ्योरम है, बाई थेलस थ्योरम कि इनके रेशियोज जो होंगे साइड्स के वो क्यों होंगे. तो दैट मीन्स एल अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू ओमेगा अपॉन वाई, हमें वाई का वैल्यू निकालना है, तो वाई विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, ओमेगा एक्स अपॉन एल. तो यह आएगा ओमेगा एक्स अपॉन एल, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन टू एल, दिस विल बी शेयर फोर्स एट एक्स. ओके, अभी शेयर फोर्स हमें देखना है कि जब हमारा एक्स जीरो है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो रहेगा, यहाँ पे सब शूट करेंगे शेयर फोर्स एट फ्री एंड दैट इज बी विल बी इक्वल टू जीरो, एंड व्हेन एक्स इक्वल टू एल मीटर, तो हमारा शेयर फोर्स जो है वो हम फिर ए पे निकाल रहे हैं, तो ये आएगा ओमेगा है अपॉन टू एल, इट विल बी एल स्क्वेयर, एल विल गो विद एल, इट विल बी ओमेगा एल अपॉन टू, सिंपल. सो नाउ ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें बताती है कि मैं इक्वेशन हूँ पैराबोला की. सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ये, तो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम जो इस कंडीशन में होगा, जो इस कंडीशन में शेयर फोर्स डायग्राम होगा, वो शेयर फोर्स डायग्राम विल बी पैराबोलिक इन नेचर. और शेयर फोर्स डायग्राम की अगर हमें ड्रा करना हो, इट इज़ ड्रा द शेयर फोर्स डायग्राम समवेयर हियर, तो ये शेयर फोर्स डायग्राम जीरो से लेके जाएगा ओमेगा एल बाई टू तक, बट इट विल बी पैराबोलिक इन नेचर, इट विल बी पैराबोलिक.
ठीक है. सो दिस वॉज द शेयर फोर्स डायग्राम. ना हम लोग करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसी कंडीशन के लिए. तो बेंडिंग मोमेंट भी तो हमें इसी में कैलकुलेट करना है. तो हम इसी को इसको एक बार फिर से देखते हैं कि हम इस सेक्शन पे आप देखेंगे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है अपना. जो हमारा सेक्शन एक्स है इस पर बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है ये हम एक बार देखेंगे. तो बेंडिंग मोमेंट जो एक्स पे आएगा, बेंडिंग मोमेंट जो एक्स पे आएगा दैट विल बी द लोड. जो भी इस सेक्शन में लोड एक्ट हो रहा है वो लोड तो हमने देखा दैट इज़ ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू एल. ये हमारा लोड एक्ट हो रहा है इस सेक्शन में, इतना इतना लोड है. सो द लोड इज़ ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू एल. दिस इज़ योर लोड बेंडिंग मोमेंट एक्स निकालने के लिए इनटू इसकी इसकी डिस्टेंस. यानी ये सेंट्रॉयड, इसकी सेंट्रॉयड की डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम द सेक्शन एक्स. हमें तो पहले ही पता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रेंगल है, इस तरीके का ट्रेंगल है, तो इसका सेंट्रॉयड जो होगा इट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स बाई थ्री फ्रॉम हेयर एंड दिस डिस्टेंस विल बी टू एक्स बाई थ्री. तो ये तो हमारा लोड है और इसकी इंटेंसिटी होगी, सॉरी इसकी डिस्टेंस सेंट्रॉयड की होगी. डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉयड फ्रॉम दिस सेक्शन दैट विल बी एक्स बाई थ्री. डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम एक्स सेक्शन एक्स बाई थ्री. तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन एक्स वी कैन राइट इट, इट इज ओमेगा एक्स क्यूब अपॉन सिक्स एल. ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ ए क्यूबिक कर्व. तो क्यूबिक कर्व की इक्वेशन है. तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो इस कंडीशन में बनेगा वो होगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव होगा. लेट मी टेल यू इट इज़ नेगेटिव बिकॉज इट विल बी क्लॉकवाइज. तो इट विल बी बनाना चाहेंगे इसके लिए, इस बीम के लिए, तो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो व्हेन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो. तो बेंडिंग मोमेंट जो बी पे है दैट विल बी ज़ीरो. और व्हेन एक्स इक्वल्स टू एल तो बेंडिंग मोमेंट जो ए पे आएगा दैट विल बी माइनस ओमेगा अपॉन सिक्स एल इंटू एल क्यूब. एल विल गो विद एल, इट विल बी माइनस ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन सिक्स. सो इस स्थिति में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये कर्व क्यूबिक होगी एंड दिस विल बी माइनस ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन सिक्स. ये है कंडीशन जब हमारे पास ट्रायंगुलर लोड था कैंटिलीवर बीम के केस में. सो वी हैव टुडे डिस्कस ऑल द थ्री कंडीशंस. वी हैव डिस्कस नंबर वन पॉइंट लोड जब कैंटिलीवर लग रहा है, दूसरा जब यू डी एल लग रहा है और उसकी कॉम्बिनेशन भी हमने एक न्यूमेरिकल में देख ली. एंड वी हैव ऑल्सो सीन जब यू वी एल लग रहा हो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा हो, तब भी हमने देखा. लेट्स डू द लास्ट टॉपिक दैट इज शेयर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग बीम्स. ओके, आज हमारा टॉपिक दूसरा जो रहेगा दैट इज ओवरहैंगिंग बीम्स के केस में देखेंगे. अच्छा, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये ओवरहैंगिंग बीम क्या होती है. ऐसी कोई बीम जिसका कोई भी पोर्शन बिना सपोर्ट के सस्पेंड हो. इट्स अ केस ऑफ एक्चुअली इट इज़ ए सिंपली सपोर्टेड बीम, लेकिन इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है ये बियॉन्ड द सपोर्ट थोड़ा इसका पोर्शन रहता है विच इज़ इन द सस्पेंशन, जो फ्री रहता है विदाउट एनी सपोर्ट. तो ये जो एग्जांपल मैं बना रहा हूँ दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओवरहैंगिंग बीम. ये सपोर्ट इज सिंपली सपोर्ट ए, ये बी है, बट ए पोर्शन ऑफ दिस बीम इज़ ओवरहैंगिंग. सो इस केस को, इस बीम को कहा जाता है इट इज़ ओवरहैंगिंग बीम. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन ऑन इट कि हमारे पास अगर W इंटेंसिटी का इस पर लोड लग रहा है तो इसमें देखेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसकी बिल्कुल टिपिकल रहती है. दे आर डिफरेंट दैन द सिंपली सपोर्टेड बीम, तो हम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. सो दैट्स वाई आई हैव चूजन वन क्वेश्चन कि ओमेगा पर मीटर के हिसाब से अगर हमारी इंटेंसिटी की लोड लग रहा हो और ये है हमारा लेट्स टेक द वैल्यूज 6 kN/m. लेट्स टेक 6 kN/m हमारा लोड लग रहा हो एंड ये है हमारा 4 m. ओके, दिस इज़ ऑल ओवर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज सेम. एंड ये जो ओवर हैंगिंग पोर्शन है लेट्स से इट इज़ 2 m और 1 m व्हाट यू इट इज़ योर चॉइस. तो इस केस में हमें बताना है कि आप इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के दीजिए.
तो लेट्स डू इट। सबसे पहले ये जो रिएक्शंस डेवलप होती है सपोर्ट्स पे, हमारे ये ज़रूरी है कि हम इन सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट करें। तो आर ए और आर बी हमारी सपोर्ट रिएक्शन है, या वी ए वी भी कहिए जैसे आपकी इच्छा। तो हमें पता है फॉर द वर्टिकल इक्विलिब्रियम एफ वाई शुड बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज वी नो देयर आर थ्री कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एफ वाई समेशन ऑफ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। सो इफ विल सी द फोर्स इन द वन वाई डायरेक्शन विच आर देयर, अपवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो हमारा आर ए जो है इट इज़ अपवर्ड, प्लस आर बी भी अपवर्ड है, और माइनस जो ये टोटल लोड आ रहा है दैट इज सिक्स इंटू सिक्स दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टोटल फोर्स हैज़ टू बी जीरो वर्टिकल फोर्स फॉर द इक्विलिब्रियम। या तो हम ये कह सकते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 36 न्यूटन या किलो न्यूटन, जो भी है किलो न्यूटन। ओके किलो न्यूटन, दिस इज अवर कंडीशन नंबर वन। हमारे पास दो अननोन्स है तो दो इक्वेशन हमें डेवलप करनी पड़ेगी। पहली इक्वेशन आ गई हमारी आर ए प्लस आर बी 36। नाउ हम मोमेंट्स की इक्वेशन डेवलप करेंगे, दैट मीन्स समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो हमें पता है मोमेंट हमें किसी भी पॉइंट के अबाउट लेना पड़ता है, तो हम मोमेंट लेंगे, टेकिंग मोमेंट एट ए। तो ए पे मोमेंट अगर देखेंगे तो आर ए के कारण जो मोमेंट आएगा दैट विल बी जीरो। दूसरा लोड के कारण आएगा मोमेंट, तो लोड हमारा है 6 × 6, और ये लोड कहाँ पे एक्ट होगा, ये होगा 6/2 पे एक्ट, प्लस आर बी के कारण मोमेंट आएगा, ठीक है ना। तो दैट विल बी 4, दिस इज ऑल द मोमेंट वी हैव शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अब ये बताइए, ये नहीं दिमाग लगाना है कि ओवरहैंगिंग पर, तो टोटल लोड तो आपने ले लिया ना, तो टोटल लोड के कारण टोटल लोड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्पान ऑफ द बीम, दैट्स वाई वी हैव कंसिडर द टोटल 6 × 6। वी हैव नॉट कंसिडर 6 × 4, वी हैव कंसिडर 6 × 6, एंड दैट विल बी एक्टिंग एट द 6/2, दैट विल जनरेट द टोटल मोमेंट ऑफ दिस पोर्शन वी हैव कैलकुलेट अबाउट द बी। सो देर इज नो नीड टू कैलकुलेट द सेपरेट मोमेंट जनरेटेड बाई दिस ओवरहैंगिंग पोर्शन, वी हैव टू कैलकुलेट द एग्रीगेट मोमेंट ऑफ दिस वेरी स्पान। ओके तो यह आएगा हमारा आपका आर बी इंटू 4 विल बी इक्वल टू 6 × 6 = 36। ओके वी कैन डू इट, 6 × 3 इट विल बी 36 × 3, यू कैन कैलकुलेट इट इजिली, इट विल बी 9. सो आर बी विल बी इक्वल टू 27, ओके 27 किलो न्यूटन। सो आर ए विल बी कैलकुलेटेड, आर ए विल बी इक्वल टू, इफ यू सबस्टिट्यूट इट बैक इन द फर्स्ट इक्वेशन, सो आर ए विल बी इक्वल टू 36 − 27, सो आर ए विल बी इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। सो दैट्स वॉट वी हैव डन टिल नाउ, वी हैव फाउंड द रिएक्शंस विच आर एक्टिंग इन द बीम। सेकेंड, अब हम शेयर फोर्स की तरफ चलेंगे। शेयर फोर्स हमें ड्रा करना है, तो हमें तो पता ही कि सर हमें कोई भी सेक्शन यहाँ पे सेक्शन एक्स लेना पड़ेगा, और उस सेक्शन एक्स में हमें देखना पड़ेगा कि कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, शेयर फोर्स आ रहा है, सॉरी। तो ये हमने ड्रा कर लिया एक बीम। ओके तो यहाँ पे हम सेक्शन एक्स लेंगे ए बी के अंदर एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ए। तो ए बी में ए से हमने सेक्शन एक्स ले लिया, ए टेक सेक्शन, टेक सेक्शन x from a at distance small x, ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे शेयर फोर्स कितना आएगा, तो वहाँ पे भी शेयर फोर्स जो आएगा x सेक्शन पे दैट विल बी आर ए माइनस माइनस कितना 6x, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अब दूसरी बात ये है कि सर अब बताइए कि शेयर फोर्स आएगा इस सेक्शन एक्स पे आर ए माइनस 6 × x। अब बताइए वैल्यूज कि व्हेन ए बी सेक्शन वैल्यू हो रहा है ए से लेके यानी 0 से लेके 4 तक, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 तो आपका शेयर फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, आर ए, आर ए का वैल्यू कितना है आपका 9 किलो न्यूटन। तो अगर ड्रा करने लगे तो यहाँ पे तो 9 किलो न्यूटन है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 4 मीटर, बिकॉज जो ए सी सेक्शन है ए बी सेक्शन है ये लाइक करता है 0 to 4, ठीक है ना। तो 4 मीटर पे शेयर फोर्स एट बी दैट इज इक्वल टू आर ए माइनस
यहाँ सब छुट के निकल 4 तो 6 इंटू 4 तो 9 माइनस 24 दैट इज माइनस 15 किलो न्यूटन. सी द बेंडिंग मोमेंट इज चेंजिंग फ्रॉम शेयर फोर्स इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव सो इट इज गोइंग फ्रॉम 9 किलो न्यूटन टू द वैल्यू ऑफ माइनस 15 किलो न्यूटन माइनस इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन सो इट इज माइनस सो दिस इज हाउ इट इज वेरिंग द शेयर फोर्स नंबर वन. नंबर टू द लाइन विच इज हेयर इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन एंड सेकेंड चैलेंज फॉर अस वॉट इज टू डू इज वॉट दैट इज वी हैव टू सी द पॉइंट वेयर द शेयर फोर्स चेंजेस डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. कहाँ ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे इस पॉइंट पे जहाँ ये पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट में जा रहा है यहाँ पे तो शेयर फोर्स जीरो है क्योंकि ये बिल्कुल उस लाइन को टच कर रहा है जो आपकी हम रेफरेंस लाइन है उसको टच रहा है. तो एट पॉइंट वेयर शेयर फोर्स इक्वल्स टू जीरो हम इस इक्वेशन में शेयर फोर्स को जीरो पुट करेंगे तो जीरो इक्वल्स टू आर ए माइनस सिक्स एक्स आर ए इक्वल्स टू सिक्स एक्स एक्स इक्वल्स टू आर ए अपॉन सिक्स दैट इज 9/6 वन कैन डू इट तो 1.5 मीटर. सो दिस डिस्टेंस इज 1.5 मीटर फ्रॉम ए एंड वेयर द शेयर फोर्स चेंज इट्स डायरेक्शन वी कैन से साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है तो ये हमारा पॉइंट बन रहा है. तो इस वाले सेक्शन के लिए जो हमारा सेक्शन था दैट इज ए बी सेक्शन के लिए हमने अभी तक जो है शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट करी है. नाउ वी विल कैलकुलेट द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर दिस वेरी पोर्शन सेकेंड पोर्शन दैट इज बी एंड लेट्स नेम इट एज सी बी सी के लिए करेंगे. ठीक है देन विल कम बैक एंड राइट अगेन इन दिस वन. तो हमारी जो कंडीशन है नाउ अब हमें बी सी सेक्शन के लिए करना है ड्रा. तो बी सी सेक्शन हमारा यहाँ पे है. तो द लोड इज एक्टिंग एट एन इंटेंसिटी ऑफ 6 kN पर मीटर दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर. ओके अगेन क्या करेंगे हम लोग कि हम सेक्शन एक्स लेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए ए पॉइंट से लेंगे हम ये जानेंगे. ठीक है ए पॉइंट से लेना वापस तो शेयर फोर्स जो है आपका एक्स सेक्शन पे देखना है हमें कितना आ रहा है शेयर फोर्स एट एक्स विल बी इक्वल टू तो इसके लेफ्ट साइड से जितनी फोर्स है उनको कैलकुलेट करेंगे दैट इज आर ए अपवर्ड जा रहा है ना प्लस आर बी भी अपवर्ड जा रहा है ये दोनों फोर्सेज अपवर्ड जा रहा है क्योंकि यहाँ तो रिएक्शन आ रही है यहाँ रिएक्शन आर बी है. अब दूसरा ये लोड डाउनवर्ड जा रहा है दैट इज लोड कितना है ये लोड तो इस वाली स्पान में 4 मीटर ये स्पान है इसका तो 6 × 4 दैट इज 6 × 4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस ये जो लोड अब आ रहा है इस वाले पोर्शन में कितना लोड आ रहा है दिस वेरी लोड तो टोटल स्पान तो आपका एक्स है. ठीक है टोटल स्पान एक्स है एक्स में से कितना घटाएंगे आप 4 तो ये स्पान आ जाएगा आपका ये स्पान को मल्टीप्लाई करेंगे जो लोड की इंटेंसिटी पर मीटर तो आपका आएगा एक्स माइनस 4 × 6 दिस विल बी द लोड विच इज एक्टिंग इन दिस स्मॉल पोर्शन. लेट मी डू इट अगेन दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ये यानी बी एक्स के बीच में जो लोड है बी और एक्स के बीच में जो लोड है ये लोड है एक्स माइनस 4 × 6 वाई बिकॉज हम लोग यहाँ से यहाँ तक स्पान ले रहे थे एक्स इसमें से घटाएंगे हम 4 तो ये स्पान बचेगा स्पान को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोड इंटेंसिटी से तो ये स्पान जो था दिस विल बी एक्स माइनस 4 तो मल्टीप्लाई बाय द लोड इंटेंसिटी दैट इज 6 kN/m एंड यू विल गेट दिस आंसर. ओके सो नाउ शेयर फोर्स एक्स पे आ गया. अब ये एक्स जो है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा दैट इज द क्वेश्चन. देखिए आप हम अब बी सी में कर रहे हैं ए बी तक तो हमने ख़त्म कर लिया हमने वी हैव ड्रॉन द शेयर फोर्स डायग्राम ऑलरेडी दैट्स हियर. अब हम बी सी में कर रहे हैं तो बी सी में हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे विल गो फ्रॉम 4 to 6 राइट. सो व्हेन एक्स इक्वल्स टू 4 मीटर बिकॉज दिस इज बी सी बी सी इज फ्रॉम 4 to 6 राइट. ओके व्हेन एक्स इक्वल टू 4 विल से शेयर फोर्स एट बी दैट विल बी आर ए 9 + 27 - 6 × 4 -
4 times 4, 4 minus 4 into 6, right? This is 0. This is 27 minus 24, that is 3. See, here the bending moment is coming back to an intensity of 3 kN. Then when x equals to 6 meter, we'll find it. Shear force at C will be Re. Okay, R is right already 9 plus 27 minus 6 into 4 minus 6 minus 4 into 6. So I got 36 minus 24 minus 12, right? Yeah, that's it. Third sigma, that's 0. So it will go to 0. This is how the variation of the shear force for the overhanging beam will be. This will be your shear force diagram for the overhanging beam. Now what we have to do is that we have to calculate the bending moment diagram for the same question. Ab hum karenge iske liye bending moment diagram. Isi